तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में भी मैं अपने सब्सक्राइबर की आईडी से खेल रहा था। इनका भी सारे कॉम्बिनेशन तो इनके कंप्लीट अच्छी तरह हुए हुए थे, इनका सिर्फ एक ही वेपन मास्टर टाइटल नहीं कंप्लीट हुआ था। बाकी चिकन एक्सपर्ट, जीरो के चिकन डिनर और वेल लाइक वाला कंप्लीट इनका हुआ हुआ था। और इनका वेपन मास्टर, आज की वीडियो में हम वेपन मास्टर टाइटल इनका करेंगे और आपको फुल डिटेल के साथ बताएंगे कि ये टाइटल हमने इजी सिर्फ दो मैचेस, सही बताऊँ मैंने दो मैचेस में ये टाइटल निकाल लिया। तो अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो नीचे रेड कलर का बटन होगा उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना। तो बिना देरी के वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपनी लैंडिंग करते हैं। ये मैच मैंने रैंडम लगाया था, तो ये सर्वर से बुला के जैसे लगाते हैं ना, वो मैच मैंने लगाया था क्योंकि इनका वैसे साउथ अमेरिका वाला वो लगा था सर्वर, तो मैंने एशिया सर्वर लगाया है। तो इसमें मैं उतरता हूँ ये पायलट प्लाजा के दो घरों में। मेरे साथ एक बंदा और लैंड कर चुका था, आते मुझे AR और SMG मिल जाती है और उतने में मेरे पे वो रश कर देता है और इससे देखना कैसे पेलते हैं और इसको इजी पेला। तो यहाँ पर हमारा SMG वाला कंप्लीट हो चुका था। तो SMG वाला कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ी और लूट लैड कंप्लीट करता हूँ। लूट लैड कंप्लीट करने के बाद मैं सीधा अपनी बगी उठाता हूँ। तो बगी उठाने के बाद एक और बोर्ड था, इसे मैं व्हीकल से नॉक करता हूँ और इसे फिनिश भी कर देता हूँ। मैं हो जा फिनिश, अभी भी नहीं हुआ। तो फाइनली हमारा व्हीकल लेमिनेट वाला भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर एक और बोट आया था, इसे मैं फिलहाल के लिए इग्नोर करता हूँ और सीधा इस साइड आता हूँ। यहाँ पर एक और बोट था, मुझे मैं यहाँ पर शॉर्ट गन और बाकी सारी गन लूटने आया था, बट ये मुझे बॉट मिल जाता है और इसे हम असोल्ट राइफल से नॉक और फिनिश दोनों करते हैं। तो हमारे यहाँ असोल्ट राइफल भी हो जाता है, यहाँ पर मुझे स्नाइपर और शॉर्ट गन दोनों ही मिल जाती है। तो मैं दोनों चीज़ें उठा लेता हूँ यहाँ पर। तो शॉर्ट गन और स्नाइपर राइफल उठाने के बाद सीधा मैं इस साइड आता हूँ। यहाँ पर एक और बोट था, enemy down. इसको नॉक करता हूँ मैं स्नाइपर राइफल से और फिनिश भी स्नाइपर राइफल से कर दूंगा। और इसको फिनिश करने के बाद हमारा स्नाइपर राइफल का भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था। अब हमारे चार यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे सिर्फ अब दो बचे हैं, एक तो थ्रोबल और दूसरा हो गया शॉटगन। तो सीधा मैं शॉटगन ढूंढने के लिए सीधा पायलट प्लाजा में आता हूँ। इधर आपको पता है एस्ट्रोल के मिल जाती है आराम से, तो मैं एस्ट्रोल के लूटने के लिए आता हूँ, बट मुझे आते ही यहाँ पर एस्ट्रोल के मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी हो थ्रोबल वगैरह लूटने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं पूरा छान मार लेता हूँ, पूरा पायलट प्लाजा लूट लेता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ी देर यहाँ पर मैं एक यहाँ पर पूरा एक ये बिल्डिंग लूटता हूँ। ऊपर जाने के बाद मैं जैसे ही यहाँ घर पर आता हूँ, यहाँ पर मुझे थोड़ी देर के बाद एक फुटस्टेप आने लगते हैं। यहाँ पर एक बॉट आ जाता है, इसको मारता हूँ मैं नेट से। मुझे लगा इस साइड आएगा बट नहीं, उस साइड चला गया भाई, फटने वाला है। अरे भाई क्या ही नेट था भाई, अगर थोड़ी देर और होता तो ये मेरी पेटी बना लेता। यहाँ पर हमारा थ्रोबल वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सिर्फ एक बचा है जो कि शॉटगन से बचा है, तो उसका केल भी मुझे थोड़ी देर बाद मिल चुका था। तो शॉटगन से मारने के लिए मैं इस साइड आता हूँ। इस साइड आने के बाद मेरे राइट साइड से फुटस्टेप आता है, तो गाड़ी में सीधा निकाल लेता हूँ। गाड़ी घुमा के इधर से फिर मैं इस साइड से घुमाता हूँ। अब देखना भाई HP मेरी, आपको भाई 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 लग जा फर्स्ट एड। हाँ शुक्र है भाई फर्स्ट एड लग गई मेरे को, मेरा यहाँ बिल्कुल बचने का वो नहीं था। मेरे को लग रहा था कि यहाँ पर मैं मरूंगा, बट मैं जैसे तैसे यहाँ पर बच जाता हूँ। सामने मुझे बॉट दिखा, उसे मैं शॉटगन से जैसे ही मारने जा रहा था, उस बंदे ने उसे भी ठिला दिया। तो मैं सीधा गाड़ी यहाँ से भगा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर भाई पूरी की पूरी स्क्वाड है। जैसे ही मैं भागने की कोशिश करता हूँ बट ये अरे अरे भाई 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 HP, मुझे लगा मैं यहाँ पर आकर बच गया, बट इन बंदों ने मेरा कल्याण कर दिया भाई। इतना गुस्सा है था ना मुझे, ये हैकर स्क्वाड थी सारी भाई कसम से, इतना गुस्सा है ना मेरा दिमाग खराब हो गया था यहाँ। तो मैं एक और मैच स्टार्ट करता हूँ थोड़ी देर बाद, मैं पहले इन्हें स्पेक्टिंग करता हूँ थोड़ी देर। बट ये नॉर्मल से प्लेयर लग रहे थे, बट मैं फिर बैक हो जाता हूँ। वीडियो के बीच में मैं छोटा सा ब्रेक देने के बाद कहना चाहता हूँ भाई कि आप BC परचेज करवाना चाहते हैं तो BC परचेज मैं करता हूँ। तो BC परचेज अगर करवाना चाहते हैं तो मुझसे करवा लीजिए। व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके बता देना कि मुझे BC परचेज करने हैं और ID और पासवर्ड मुझे दे देना, तो मैं आपका BC परचेज कर दूंगा। तो मैं दूसरा मैच स्टार्ट करता हूँ। इस मैच में मैं उतरता हूँ झूले की साइड। तो झूले की साइड पर उतरने के बाद मैं झूले पर थोड़ी लूट लड़ करता हूँ अपनी कंप्लीट। इस बार मेरा टीममेट खेल रहा था मेरे साथ, तो टीममेट बुलाया था पिछले मैच में, तो मैं रैंडम खेल रहा था। इस बार मैंने अपना
टीममेट बुलाया, तो मैं यहाँ पर सारी लूट लट कंप्लीट करता हूँ। लूट लट कंप्लीट करने के बाद नीचे से फायरिंग का साउंड आया था, नीचे एक बंदा उतरा था जो कि खेल रहा था सोलो वर्सेस स्क्वाड। मेरा टीममेट भी ओपन में लूट रहा था, मैंने कहा भाई इधर बंदा है ध्यान से लूट। तो यहाँ पर आने के बाद यह मुझे कहता भाई मेरे पास थ्रोबल है, मैंने कहा मेरे पास भी है ग्रेनेड, तो यहाँ पर आके मुझे थ्रोबल दे देता है ग्रेनेड। तो दो ग्रेनेड मेरे पास हो चुके थे, तो ग्रेनेड उठाने के बाद मैं यहाँ पर पिन खींचता हूँ ग्रेनेड की और वो क्लोज है मेरे, ये रहा, ये मेरे टीममेट का नॉक करता है और मैं इसे नेड से फिनिश कर देता हूँ। तो हमारा यहाँ पर थ्रोबल वाला कंप्लीट हो जाता है जो कि पहला था। तो इसको रिवाइव रिवाइव देने के बाद मैं आगे की साइड जाता हूँ, बट भाई फैक्ट्री से ऐसा गंदा बंदा मार रहा था ना, मतलब इतना गंदा मार रहा था ना ये बंदा मुझे, तो मेरी ये देखो एचपी इसने पीपी बाजम से कितनी कर दी। तो मैं यहाँ पर इस टीममेट से कुछ मांगता हूँ, इसने फिर टॉमी दे दी, मेरे पास है ऑलरेडी टॉमी, तो टॉमी मैं उठा लेता हूँ। टॉमी उठाने के बाद सामने एक बॉट था, इसे स्नाइपर मारता हूँ, तो स्नाइपर वाला भी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। हमारे दो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, इससे मैं M4 भी ले लेता हूँ। तो M4 लेने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ी देखता हूँ, इधर उधर देखता हूँ, सामने मुझे बंदा दिखता है बट ये डैमेज कर देता है मुझे। यहाँ पर आके फिर मैं एक और बार देखता हूँ, अब दे पीक डराने के लिए प्री फायर दिया और एक दो बॉडी शॉट मारे। बॉडी शॉट मारने के बाद मैं यहाँ पर हील करता हूँ, हील करने के बाद मेरा टीममेट कर रहा है यहाँ पर बॉट है, तो मैं बॉट को देखने के लिए जाता हूँ पीछे की साइड, बट वो तो पीछे आ गया था मेरे, ये रहा, इसे मैं मारता हूँ SMG गन से। यहाँ रिलोड करता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर हमारा SMG वाला भी कंप्लीट हो जाता है, इसे नॉक फिनिश करा। नॉक फिनिश करने के बाद मैं सीधा ऊपर की साइड रश करने जा रहा था रेड घर के हाउस, रेड घर में, मतलब भाई क्या ही बोल रहा हूँ मैं, बट यहाँ स्कैनन चलती है। अरे मेरी HP, मैं जल्दी जल्दी zigzag मूव देता हूँ और यह कवर पर आ जाता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पर कवर पर आने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ी हीलिंग करता हूँ, हीलिंग करने के बाद थोड़ी सी हीलिंग करने के बाद मैं अब यहाँ पर स्मोक फेंकने लग जाता हूँ। मुझे गाड़ी के पास जैसे करके जाना था, यहाँ पर मैं पहले एक स्मोक करता हूँ, फिर गाड़ी के पास दूसरी स्मोक करता हूँ हाइपर करके, दूसरी स्मोक करी गाड़ी के पास और तीसरी स्मोक बीच में करता हूँ मैं, और अपने टीममेट को कहता हूँ भाई जल्दी जा गाड़ी लेकर आ मेरे लिए, और वो कवर टू कवर स्मोक के जाता है और मैं उसको कवर देता हूँ यहाँ से। अरे भाई क्या ही स्प्रे गया, अब तो पिक देने से रहा, तो मैं उसे जल्दी से कहता हूँ भाई खड़ा क्या है गाड़ी ले जल्दी, फिर वो गाड़ी लेता है जल्दी से और गाड़ी लेकर वो जल्दी से मेरे पास आता है। आ जा कहाँ रह गया, आ गया, जैसे ही आता है मैं गाड़ी पर बैठता हूँ, अब देखना फायर उसका। भाई साहब बदले में मैं भी उसको फायर करता हूँ, ये डराने के लिए फायर करा है जस्ट मैंने, और इधर से मैं हम भाग जाते हैं, भागकर हम सीधा इस साइड आते हैं और यहाँ पर एक बॉट दिखता है, मैंने कहा सीट चेंज कर भाई, मैंने मुझे इसे गाड़ी से मारना है और ये उतर जाता है, तो गाड़ी से मैं इसको कुचलता हूँ। तो फाइनली हमारा ये भी व्हीकल एलिमिनेट वाला भी कंप्लीट हो जाता है। इसकी मैं थोड़ी लूट लट लेता हूँ, लूट लट लेने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा घूमता फिरता फिर मैं गाड़ी पर बैठता हूँ। गाड़ी पर बैठने के बाद जैसे मैं निकलता हूँ यहाँ मुझे पीछे साउंड आता है भाई बॉट, इसे हम खेलते हैं शॉटगन से। तो हमारा शॉटगन वाला भी फिफ्थ था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सिर्फ M4 से बचा है जो कि लार्ज था, एक ये सामने स्नाइपर वाला बंदा सामने आ चुका था मेरे बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं नेट की पिन खींचकर ये फेंक देता हूँ और यहाँ पर लेट जाता हूँ, बैठ जाता हूँ सॉरी, बट वो मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, मैं मेरी यहाँ पर भाई फटके 64 हो जाती है। मैं यहाँ पर डरते डरते इसको रिवाइव करता हूँ, रिवाइव करने के बाद सीधा मैं इस पर अंधा रश कर देता हूँ। मैं जैसे नीचे छलांग मारता हूँ यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर नेट की पिन खींचता हूँ, बट वो बंदा भी मेरे पर रश कर चुका था भाई, मैं नेट की पिन खींचता हूँ वो आ गया था भाई सामने से और वो मुझे देख के भाग जाता है। मैं इसको मेरा टीममेट इसको थोड़ा डैमेज कर देता है, इसको डैमेज करने के बाद मैं सीधा हम इस पर सीधा रश कर देते हैं। यहाँ पर मैं नेट की पिन खींचता हूँ बट यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, मैं यहाँ पर फिर नेट की पिन खींचता हूँ एक और वो मेरा टीममेट कहता मत जाओ, उसके पास S12 किया, मैंने कहा कुछ नहीं होता नेट खींचा हुआ है, और बूम इस नेट से इसका काम तमाम हो जाता है। इसको इसकी पेटी बनाने के बाद इसको मैं लूटता हूँ अच्छी तरह,
इसको लूटने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं और सीधा ड्रॉप की साइड आते हैं, सेंटर रोड की साइड। और सामने मुझे एक बंदा दिखता है, उसको मैं मारने के लिए जैसे जाता हूँ बट मुझे दूर से फायर आता है AKM का, तो मैं फिर यहाँ पर कवर पर आता हूँ। बट ये सामने वाला बहुत अच्छा है भाई। यहाँ हमारा असोल्ट राइफल वाला भी कंप्लीट हो चुका है, हमारा वेपन मास्टर का सारा क्राइटेरिया दो ही मैच में कंप्लीट हो चुके हैं। तो सीधा मैं ऊपर की साइड आता हूँ, ऊपर की साइड आने के बाद मैं उस बंदे को स्पॉट करता हूँ। थोड़ा स्पॉट होता नहीं है तो सीधा मैं गाड़ी उठाता हूँ, गाड़ी उठाकर सीधा मैं इस पर क्लोज इन कर लेता हूँ। क्लोज इन करने के बाद मेरा टीममेट पीछे से मुझे कवर दे रहा था और मैं सीधा इस पर क्रश कर देता हूँ। ये रहा, डैमेज करा, बट इसको मेरा टीममेट ही निपटा देता है, इसको नॉक करता है और मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। इसको फिनिश करने के बाद हम दूसरी साइड जाते हैं, मेरा टीममेट सबसे आगे पहुँच चुका था भाई, आगे आगे चल रहा था ये, तो वो एक बंदे उसकी फाइट कर रही थी, वो एक बंदे को नॉक और फिनिश दोनों कर देता, उसकी HP काफ़ी कम हो चुकी थी। तो मुझे इसको कवर देने के लिए मैं उसके पास जाता हूँ। ये रहा बंदा, और इस बंदे को ईजी पेलता हूँ। इस बंदे को पेलने के बाद लास्ट बंदा बचा था एक, वो M24 चला रहा था, इसकी मैं लूट लेता हूँ पहले कंप्लीट। और ऊपर से M24 चलाता है, आपको साउंड आया होगा, मैं इसको स्पॉट करता हूँ। बट यहाँ से घंटा नहीं स्पॉट हो रहा था तो सीधा मैं इस पर क्लोज इन कर देता हूँ। अब लास्ट का जोन बचा, सिर्फ एक ही बंदा बचा था वो, जो कि लास्ट बंदा था। मेरे को लगा अभी भी जोन के बाहर होगा बट वो पता नहीं हमारी आंखों से बच कर उसके ऐसे जोन में आ जाता है। ये रहा सामने, तो इसको भी मारते हैं हम इजी। इसको मारने के बाद हमें मिल जाता है चिकन डिनर। तो बाहर जाके हमारे चेक करते हैं हमें टाइटल मिला या नहीं, हमने सारा क्राइटेरिया कंप्लीट एक ही मैच में कर दिया है। जल्दी से हम बाहर निकलते हैं, थोड़ी पंतियाँ कर रहा था मैं यहाँ। जल्दी जल्दी बाहर निकल भाई यार, क्या ही इतना टाइम ना कहीं भी वेस्ट करते हैं यहाँ पर। अगर आप भी करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर चिकन डिनर के बाद आप ऐसी मस्ती करते हो तो। तो हम मैं जल्दी जल्दी बाहर आता हूँ। बाहर आने के बाद जैसे ही मैं ग्लोबे पर आता हूँ तो फाइनली हमें वेपन मास्टर टाइटल एक दो ही मैच में मिल चुका है। तो अगर आपको भी करवाना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM ज़रूर करना, इंस्टाग्राम की आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में ज़रूर दे दूंगा। ये देखिए हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है वेपन मास्टर, जो कि दो मैचेस में ही कंप्लीट हुआ है। तो यही थी आज की गेम प्ले वीडियो, कैसी लगी वीडियो मुझे लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो शेयर भी ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के पास। तो मिलते हैं कोर न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड पीस आउट, बाय बाय। हेलो हेलो, मुझे ये वर्ल्ड ड्रेस प्रिंट मिली है अभी। ये मुझे हाँ, दो स्प्रिंट करें, मैं इसमें दोनों में।